आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अनिल भसीन और कंचन भनसीन ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्म आचार्य सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्र द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पोडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता अश्विनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सबको अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हंसराज जी चाहते थे कि हमें सब तरह से विचार सबके ठीक थे, लेकिन गुरुकुल की प्रणाली में तो जो हमारी भारतीय संस्कृति झलकती है, जो हमारा पूरे विश्व में जिसको हम संस्कृति है वो दिखती है, ये चीजें थी। इन जैसे महान पुण्य आत्मा का हमें सम्मान करना चाहिए। इनका जब भी जन्म दिवस हो, बलिदान दिवस हो, हमें अवश्य अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों को साथ में लेकर आर्य समाज में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको जो एक संपूर्ण जानकारी मिलती है, एक पूरी आपको जो चेतना प्राप्त होती है वो आपको खुले भाव से इस आर्य समाज मंदिर में ही आपको सुनने में मिलती है। उसका कारण है कि हमारे बीच में हमेशा ही बहुत ही, जब भी इस आर्य समाज के मंच पर आए हैं, अच्छे विद्वान, अच्छे वक्ता आए हैं और जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, हम इन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर इस आर्य समाज को और अग्रसर करना चाहेंगे।